कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी, जो जो केंद्र सरकार ने कहा भी ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने भी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ दुकानों के सामने। अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें दो चार लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा? आपकी ज़िंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो, क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूँ, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूँ। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस एक घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा, फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा, मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के, ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे 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 हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी। और कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? ज़िंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना, 1.5 महीना तो हो गया लॉकडाउन में रहते रहते, अब तो अपने को खोलना चाहिए, तो अब तो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और जिम्मेदारी केवल इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज़, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर हमें करना पड़ेगा, आपके लिए करना पड़ेगा। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे गर्व है, मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है, विश्वास है कि हम बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। हमने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। जब पूरी दुनिया डेंगू से जूझ रही थी, हमने डेंगू को हरा के दिखाया था, अब हम कोरोना को भी हरा के दिखाएंगे। दिल्ली के लोग पूरी दुनिया को कोरोना को हरा के दिखाएंगे।